तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास रेशन कार्ड है और उस रेशन कार्ड को आप इंट्रास्टेट ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर एक राज्य से आप दूसरा राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पोर्टल की मदद से आप बड़ी आसानी से आप अपने रेशन कार्ड को एक स्टेट से दूसरा स्टेट में या फिर एक राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आप बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सारे काम आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। तो नए पोर्टल के थ्रू आप कैसे अपने रेशन कार्ड को एक स्टेट से दूसरा स्टेट या फिर एक राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करेंगे, इसका कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट ही देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेशन कार्ड को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है मेरा रेशन 2.0। जैसे ही आप मेरा रेशन 2.0 लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रेशन 2.0 जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने मनपसंद से लैंग्वेज को चूज कर लेना है एंड नेक्स्ट के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरा रेशन 2.0 का जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी यूजर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड लॉग इन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो हम फटाफट से इसको फिल करके लॉग इन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे फिल कर दी है और सारे फिल करने के बाद सिंपली आपको लॉग इन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सक्सेसफुली सेंड होगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दी है और ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुके हैं। अब आपको सिंपली ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको एम पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्रिएट नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एम पिन क्रिएट करने का जो पेज है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने मनपसंद से 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 डिजिट एम पिन यहाँ पे एंटर कर दी है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद दोबारा उसी पिन को यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड सिंपली क्रिएट एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो एम पिन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आपको सिंपली ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मेरा रेशन 2.0 जो एप्लीकेशन है उस पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेशन कार्ड ट्रांसफर, ठीक है। आपको सिंपली उस रेशन कार्ड ट्रांसफर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं रेशन कार्ड ट्रांसफर टाइप, मतलब आप किस प्रकार से रेशन कार्ड ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शंस दिए गए हैं, इंट्रास्टेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ इंट्रास्टेट ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी एक ही राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अपने रेशन कार्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेट से दूसरा स्टेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दे रहा है फिलहाल, ठीक है। हो सकता है आगे जाके ये ऑप्शन यहाँ पे एड हो जाए, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इंट्रास्टेट आप अपने रेशन कार्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे इंटरेस्ट स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एंड डिस्ट्रिक्ट टू, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं इसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके राज्य के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अपने रेशन कार्ड को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, जिस आईडी कार्ड में आपका एड्रेस हो उसी आईडी कार्ड को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इसके लिए सिंपली ब्राउज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक कैमरा और दूसरा गैलरी। अगर आप फोटो खींच के आप देना चाहते हैं तो सिंपली कैमरा के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही फोटो खींच के रखे हैं तो इसके लिए सिंपली आपको गैलरी के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप पीडीएफ में, जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं, बट इसका जो साइज है वो 500 KB से नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद नीचे आपको एक क्लैरिफिकेशन आया है, आपको सिंपली यहाँ पर टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक कंफर्मेशन का पॉपअप शो हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर योर रेशन कार्ड। अगर आप अपने रेशन कार्ड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस करना है, अगर आप यहाँ से बैक हो जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको नो कर देना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक नोट लिखे गए हैं, इफ रिक्वेस्ट इज सबमिटेड वंस इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड, यानी एक बार अगर आप अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हैं तो दोबारा इसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, दोबारा बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने रेशन कार्ड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिंपली यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर आपका जो रेशन कार्ड है वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रेशन कार्ड ट्रांसफर हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट से आप अपने रेशन को ले सकते हैं। तो मैं रेशन कार्ड को ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि रेशन कार्ड को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि रेशन कार्ड को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।